एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फाइंड आउट। आज की जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना ये होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके एलिमिनेट करते हैं, फिर उसी वैल्यू तो दूसरी वैल्यू जो आती है, फिर उस वैल्यू को हम लेके पहले या दूसरे इक्वेशन जो भी हमने कंसिडर कर रखा है उसमें रख के सब्स्टिट्यूट करके फिर वहां से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके कुछ अगर कहें तो बेसिक से रूल्स हैं जिसको अगर आप जान जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। पहले हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है, 2x-3y=7, यानी कि वेरिएबल एक साइड और कॉन्स्टेंट एक साइड। तो हमें इसको अरेंज नहीं करना है, अगर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट सेम साइड में होंगे तो हम उसको अरेंज कर लेंगे। फिर ये हमने ले लिया इसको इक्वेशन 1 एंड 5x+2y=10, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये है कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशियंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कोफिशियंट सेम होगा तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, मतलब प्लस है या माइनस है, वहां से वो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ है 2y और यहाँ है -3y। तो 2 और 3 जो है कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं, कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर या होल नंबर कह लें, तो इनका जो ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों का मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो 6। यानी कि हम इसको भी क्या बनाएंगे, -6 बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे +6। तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 का। तो हम पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जब हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन 1 है वो हो जाएगा 2 4x-6y=14। सिमिलरली जब हम इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 3 5 15x प्लस 3 5 15x 3 2 6y और फिर यहां से ये हो गया 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, सेम है और बस इसमें साइन का डिफरेंस है। तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो ये हो जाएगा 4x-6y=14 और ये 15x+6y=30। तो ये हो गया यहां पे 44, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 19x। तो अब हम इस वैल्यू को लेते हैं, इधर 19x=44, तो x=44/19, ये आया। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में यूज करेंगे, यूजिंग एबव इन इक्वेशन सेकंड। यहां पे हमने पुट किया तो 5 × 44/19+2y=10। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 19 और यहाँ पे ये 20 होगा तो 0, 2 कैरी और फिर 20 और 2 कैरी तो 22 हो गया +2y=10। तो आगे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये रहेगा 2y, इसको ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग पहले 10 को लिख लेते हैं आगे, तो 10
-2 to 0 upon 19। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2y = 1 9, और यहां से ये हो जाएगा 190 -2 to 0। आगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से मिलेगा y = इस 2 को हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहां पे हो गया 19 into 2, और 220 बड़ा है और 190 स्मॉलर है, बट जो स्मॉलर है उसका साइन प्लस है और जो ग्रेटर है उसका साइन माइनस है, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस और डिफरेंस आ जाएगा 30 का। तो यहां से मिला y = -15 upon 19।